तो क्या क्या फॉर्मेट हम किए थे? अच्छा, सारा 9 फॉर्मेट हो गया था। एक था y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासेस टू ओरिजिन और स्लोप m, हाँ y सर, इक्वल टू स्लो पॉइंट, फिर स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर टू पॉइंट फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट। y माइनस y वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन स्लोप पॉइंट फॉर y माइनस y वन इज इक्वल टू y टू माइनस y वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन टू पॉइंट फॉर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन इंटरसेप्ट फॉर। देन तो y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस, अच्छा हो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी p नॉर्मल फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस आर माइनस आर पैरामेट्रिक फॉर। प्रश्न देन हम डिस्कस किए थे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इफ स्ट्रेट लाइन पासेस टू ओरिजिन देन सी इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन क्या होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस लामडा इक्वल टू जीरो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज व्हाट एक्स माइनस बी वाई प्लस सम कांस्टेंट। नो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस अनदर कांस्टेंट इक्वल टू जीरो एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट इंटरचेंज होगा एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू जीरो वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू जीरो है ना। और क्या कहते हैं इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर इफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो पैरेलल टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज व्हाट ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू इफ इट इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू देन एल वन इज इक्वल टू एल टू लाइन बिकम सेम लाइन देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके इट इज एक्स वन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन टू द लाइन This is the line AX plus BY plus C equal to 0. This is the point X1 comma Y1. The length of perpendicular D. D is equal to AX1 plus BY1 plus C upon under root A square plus B square. Distance from origin. क्या था इसका मॉडुलस हाँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस Distance between two parallel lines AX plus BY plus C1 equal to 0 and AX plus BY plus C2 equal to 0 is engagement distance C1 minus C2 upon under root A square plus B square.
और एक पुट ऑफ परपेंडिकुलर इफ अल्फा बीटा विद पुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एक्स वन कॉमा वाई वन उधर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो देन क्या था फॉर्मूला अल्फा माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइंट को सीधा लाइन के ऊपर डाल दो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस वन एंड पर इमेज ये एज इट इज ये सब किए थे। अच्छा कोई चेक किए क्या हाउ यू गॉट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सर ये सब डेरिवेशन नहीं कराया था ये दोनों का डेरिवेशन नहीं हुआ था बाकी सब का हुआ था। हाँ सर किसने ट्राई किया था क्या नहीं ठीक है तो विल डिस्कस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सर। यस सर आप ये लेक्चर के एंड में वो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का होमवर्क का डाउट डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 1 का इन चैप्टर एक्सरसाइज 1। अच्छा इसके डेरिवेशन के बात करते हैं। हाँ सर चलेगा परपेंडिकुलर This is the straight line L whose equation is AX plus BY plus C equal to 0. From a point you draw perpendicular. Suppose A point se main perpendicular draw kar raha hu. मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए राइट। What is the slope of this line? ये लाइन का स्लोप क्या है? A. A. का स्लोप क्या था? माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी। Slope of this line is the minus a by b. Then slope of this line. AB is the perpendicular to L. A by B. B by A. B by A. Because both are perpendicular to each other. So product of their slope is the minus one. As slope of this line is the minus a by b, then segment of this slope of this segment will be b by a. Slope means what? Slope means what? Inclination of the line with respect to positive x-axis. Tan theta.
okay, where theta is the angle made by this line with respect to positive x-axis. Suppose this is the positive x-axis, तो इसके साथ जितना आगे theta. Am I correct? चाहो तो पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो और अल्फा कॉमा बीटा लेके भी आप कर सकते हो, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए. ठीक है, लेट दिस लेंथ इज द डी, ऑलरेडी यू टेकन डी, तो इसका इफ टैन थीटा इज द बी बाय ए, व्हाट इज द साइन थीटा एंड कॉस थीटा? Tan theta is the B by A. A theta B square. So sin theta kya hoga? B upon under root A square plus B square. And what about cos theta? A upon under root A square plus B square. Am I right? Okay, so if you use parametric form use karoge, then point B kya ho sakta hai? A distance maine d le liya, iska mere paas sin theta and cos theta is there. Parametric point ka x value kya tha? If it is alpha comma beta, theek hai na, to formula kya tha? Parametric form, ये आपका fixed point x1 comma y1, ये आपका variable point x comma y, distance between them is the r, ये a, ये p, ठीक है? तो सर x minus sorry x1 minus x divided by cos theta is equal to y1 minus y by sin theta is equal to plus or minus r. तो इधर क्या होगा? This is fixed point. X1 minus alpha. Yeah, alpha where minus x1. Alpha minus x1 upon? And a by under root a square plus b square. Cos theta. ठीक है ना? हाँ. Is equal to beta minus, yeah, minus y1 upon by sin theta. Sin theta is equal to d. Plus minus d. Actually, नीचे की तरफ जा रहे हैं. That's why minus d will get. Okay. So that implies alpha minus x1 alpha minus x1 is equal to d cos theta plus d or minus d, anything. And beta minus y1 is the d sin theta by equating these two, of squaring both these sides and take their sum. Implies what? Alpha minus x1 whole square plus beta minus y1. Beta minus y1 whole square is equal to d square. एक मिनट, ये तो ऑलरेडी इतना ही होगा इसका. No, मुझे ये डी निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है. एक मिनट, cos थीटा यू कैन राइट
अच्छा, डू यू नो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी? यस और नो? नो सर. नहीं, ए व्हाई नॉट? ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी. इफ ए बाय बी is equal to c by d, then a by b equal to c by d is equal to a plus c by b plus d is equal to a minus c upon b minus d is equal to 1 a square plus c square upon b square plus d square ka square root equal to a square minus c square upon b square minus d square iska square root hoga. Provided ये positive होना चाहिए, इसलिए इसको ज्यादा use नहीं किया जाता है. क्यों नहीं होगा? Let us take lambda. Then what is the a? B lambda. A by b equal to lambda. Then a equal to b lambda. And c equal to d lambda. तो इसका रेशियो, इफ दिस रेशियो यू कैन शो एज लैम्डा, देन बोथ विल बी इक्वल. नाउ व्हाट इज द ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी? ए फॉर ए यू कैन राइट बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा अपॉन सॉरी डी लैम्डा अपॉन बी प्लस डी, दैट बिकम लैम्डा. इसका मतलब बोथ आर इक्वल. यस सर. ये तो आपको नाइन्थ में पता होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा. तो मुझे क्या चाहिए? एक तो ये चाहिए. It's length of If we cut these two, then what you are getting? Apa x is equal to x1 plus r cos theta parametric, or aap ye dono ko equate karoge, then you will get alpha minus x1 is equal to d cos theta. Then alpha you can write x1 plus d cos theta. Yes. Beta you can write y1 plus d sin theta. Acha. Alpha comma beta lies on this line. Yes, sir. तो अल्फा कमा बीटा ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? सपोज दिस इज द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. ओके, 1 कमा 2 लाइज ऑन दिस लाइन. यस और नो?
सर क्या 1.1,2 lies on this line, yes or no? Point 1,2 lies on the line 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Yes or no? सर आपका वॉइस में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। वॉइस नहीं आ रहा है सर। एक मिनट, मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। Point 1,2 lies on the line 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Yes or no? सर 1,2 रहेगा। कैसे? क्योंकि x को 1 और y को 2 डालेंगे तो होगा ना सेटिस्फाई। वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना? If you use x equal to 1, then you will get 2. Y के जगह 2 डालोगे, you will get 6 minus 8, satisfying the equation. Point 3,0 lies on the line. Yes or no? No. No. क्योंकि 3,0 इसको satisfy नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आज अल्फा कमा बीटा लाइज ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज व्हाट? आज अल्फा कमा बीटा ए इज इक्वल टू माइनस सी लाइज ऑन द लाइन A x plus b y plus c equal to 0, that implies what? A is equal to minus c. Sir, अभी ठीक से आ रहा है। Sir, अभी voice ठीक आ रहा है, ठीक से आ रहा है। आज alpha comma beta lies on the line A x plus b y plus c equal to 0, then what? क्या लिखोगे आप? A alpha plus b beta is equal to minus c. A alpha plus b beta प्लस सी इक्वल टू जीरो, करेक्ट ना? सर अभी आपका वॉइस ठीक से आ रहा है, मेरे एंड पे प्रॉब्लम था, सॉरी। अब अल्फा के जगह मैंने लिख दिया एक्स वन प्लस डी कॉस थीटा, बीटा रोटेट फॉर बीटा आई यूज वाई वन प्लस डी साइन थीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ओके? देन आई सेपरेटेड, मुझे डी का वैल्यू निकालना है। Then I separated AX1 plus BY1 plus C. Then AD cos theta plus BD sin theta. D take common. Then you have A cos theta plus B sin theta equal to 0. Am I correct? Yes, sir. That implies AX1 plus BY1 plus C is equal to minus D into A cos theta. What is the A cos theta? What is the A cos theta? Cos theta is the A upon under root A square plus B square. What is the A cos theta? Under root A square plus B square to cos theta. A square upon A square plus B square ka root over. Plus B sin theta means? दोनों का डिनोमिनेटर रिमेन सेम, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हिच इज माइनस डी इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू, दिस इज द ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ओके? Yes, sir. तो D क्या होगा? D तो AX1 plus BY1 plus C minus of minus of under root A square plus under root A square plus B square. Right? Yes, sir. But because of D the distance, so you have to consider modulus. क्योंकि this value
डिनोमिनेटर पॉजिटिव बट न्यूमिनेटर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है. ओके, इफ योर पॉइंट लाइज अबव द एक्स एक्सिस, सॉरी अबव दिस लाइन, एक्चुअल अबव दिस लाइन, देन ए डिस्टेंस यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, यू विल गेट एक्चुअल दिस वैल्यू, यू विल गेट पॉजिटिव. इफ योर पॉइंट लाइज बिलो द लाइन, देन यू विल गेट दिस वैल्यू बिकम नेगेटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम नेगेटिव. But because of more distance, you have to use modulus. Ha, sir. Hence, distance d is equal to mod of minus a x1 plus b y1 plus c upon under root a square plus b square. You know, minus of mod x is what? Minus of minus x. Minus x modulus is what? Modulus को ठीक से करो, नहीं तो नहीं होगा. Minus आपको दिखता है तो फिर आपके दिमाग में आ जाता है कि negative. That is not true. Minus x modulus आप बता नहीं पाओगे जब तक x का वैल्यू आपको पता नहीं. तो this remains mod x. How you know x negative or positive? ओके, इसका मॉडुलस जितना होता है मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही भी होता है. दैट्स व्हाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस द डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस drawn from x1 comma y1 to the line ax plus by plus c equal to 0 is, but a point ko line ke upar use karo, that is x ke jagah x1, y ke jagah y1 dalo, b y1 y y plus c upon under root a square plus b square का modulus. So this is the distance formula for perpendicular distance. सर zoom out कर लिख लेंगे.
थोड़ा ऊपर कर सकते हो। हाँ सर अभी थोड़ा नीचे कर लें। Done. सर बस एक मिनट। सो हो गया। हाउ टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब अल्फा कॉमा बीटा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना।
how to get slope of this slope of this segment AB is b by a. Okay, actually slope iska kaise hota hai using two points. How to get slope using two points? Beta comma beta minus y1 by alpha comma alpha minus x1. Alpha minus x1 is equal to b by a. B by a. Implies a beta minus a y1 alpha minus x1 upon a is equal to beta minus y1 by b. B. Correct, na? Yes, sir. Can I write a into alpha minus x1 by a square? Yes or no? Yes, sir. इसमें मैंने क्या किया है? A multiply and divide किया हाँ. Is equal to b into beta, beta minus y1 upon b square. Yes, sir. Right? Yes, sir. Now use this formula. A by B is equal to C by D equal to A plus C upon B plus D. Okay? Yes, sir. So, can I write alpha minus X1 upon A is equal to beta minus Y1 upon B equal to sum of numerator upon sum of denominator? Yes, sir. A into alpha minus X1 plus b into beta minus y1 upon a square plus b square. Yes, sir. Correct, na? Yes, sir. This is a alpha plus b beta minus ax1 minus by1. I'm doing one thing, making plus C minus. Correct? Yes, sir. Upon A square plus B square. Aaj alpha comma beta lies on the line AX plus BY plus C equal to zero. So alpha comma beta is to satisfy karega? Yes, sir. So iska matlab A alpha plus B beta plus C became zero. Iska matlab iske jagah aap zero dal sakte ho. Which is minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. Mil gaya formula? Yes, sir. Alpha minus x1 upon a is equal to beta minus y1 upon b equal to minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. This is the formula put up perpendicular. फॉर्मूला रखे थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का. यस सर. ठीक है, ये जो राइट साइड होगा ना ये पूरा नॉन वैल्यू हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नॉन कांस्टेंट, क्योंकि ए बी सी एक्स वन वाई वन एवरीथिंग गिवन है, नॉन वैल्यू. तो दिस बिकेम कांस्टेंट. आप ये दोनों को इक्वेट करोगे यू विल गेट अल्फा वैल्यू, ये दोनों को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट बीटा वैल्यू. ओके सर. समझा? हां सर. और इमेज के लिए क्या करोगे, लेंथ डबल हो जाएगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए माइनस वन की जगह माइनस टू आ जाएगा. इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डबल होगा, इसलिए जो माइनस वन है ना क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए डबल माइनस होगा, तो माइनस टू हो जाएगा. हाँ सर.
आंसर हो गया। सर हो गया लिख। अच्छा क्या आप लोग का डाउट था बताइए। हाँ सर एक्चुअली इन बिटवीन रोटेशन ऑफ एक्सिस लोकस ये नहीं मैंने पढ़ा है अभी तक। ठीक है हाँ सर तो जितना हुआ है उसके ऊपर जो भी डाउट है। सर 13th वाला, 10th वाला, 13th वाला और 18th वाला। इन चैप्टर एक्सरसाइज वन है ना। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 10, 10, 13, 13, 18। ओके सर 8 भी है। एनीथिंग एल्स और 81 द एंड्स ऑफ अब द बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल 2,0,0,1 एंड द इक्वेशन ऑफ वन साइड इज एक्स इक्वल टू 2 एंड देन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके the ends of the base isosceles triangle is the 2,0,0,1 x equal to 2। आप एक बार थोड़ा उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रख लो पता चल जाए। टू कमा जीरो और टू कम एंड जो वो दूसरा है वो सेम है ना, लाइक सेम लाइन पे लाइन। हाँ दिस इज 2,0,0,1 और दिस इज द एंड ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल एंड द इक्वेशन ऑफ वन साइड इज एक्स इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है? लाइक 2 कमा समथिंग। x इक्वल टू 2 लाइन कैसे होता है? सर वो पैरेलल होता है y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू नेट पासेस टू 2,0। ठीक है ना? तो दिस इज द लाइन x इक्वल टू 2। And this is the base of the isosceles triangle. So definite your equation like this मतलब साइड का क्या होगा? ऐसे ही होगा।
और देन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट? If you draw perpendicular, अच्छा यहां से एक perpendicular draw कर, ऑर्थो सेंटर मीन्स व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस, है ना? यस सर. दिस इज ए बी सी, सी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक इधर से परपेंडिकुलर. तो डेफिनेट जो ऑर्थो सेंटर रहेगा ना, इस ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये लाइन, ये तो पक्का पता चल गया कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, आपका इक्वल साइड, दिस टू आर इक्वल साइड, ओके? ये नहीं, ये आपका बेस. तो यू कुड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन लाइन ए बी, इसका इक्वेशन क्या होगा? What is the equation of this line? ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? Y minus one. Y minus one. Yes. मतलब y is equal to one. ये लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट रखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वन होगा. एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, बट वाई कोऑर्डिनेट बिकम वन, राइट? अच्छा, तो लेट अस टेक दिस इज द ऑर्थो सेंटर, तो इसका पॉइंट क्या होगा, क्या हो सकता है? एक्स कमा वन, अल्फा कमा वन और एक्स कमा वन, ऑर्थो सेंटर, ठीक है? इफ इट इज ऑर्थो सेंटर, तो ये क्या होना चाहिए? इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए. That already you don't know. Okay. और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. If you draw perpendicular from B, definitely वो पॉइंट पर पास करेगा. और क्या होगा? आपका ए बी सी जन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एस सी, तो वो क्या करेगा? समझा नहीं. ए बी सी जन आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन एस सी, बेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो बेस को क्या करता है? वो बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट करेगा. तो डेफिनेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. एसी का मिड पॉइंट इज व्हाट? 1.5. ओके, दैट मींस, अच्छा क्लियरली एसी परपेंडिकुलर टू बीएम. हाँ सर. इंप्लाइज एसी परपेंडिकुलर टू एचएम. हाँ. व्हाट इज द स्लोप ऑफ एसी? 2, -1, तो -2. स्लोप ऑफ एसी इनटू स्लोप ऑफ एचएम मस्ट बी -1. एसी का स्लोप इज द -2. -2. SC slope -1/2 y2 - y1 / x2 - x1. Minus half. HM slope of HM 1/2 upon alpha minus one equal to -1. That implies alpha -1 became 1 by
4, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/4, तो ऑटो सेंटर क्या होगा 5/4, इज दैट क्लियर? The coordinate of the coordinates of the point ABC are given -4, 0, 0.2, and -3.2. The point of intersection of the line which bisects the angle CAB internally and the line joining C to middle point of AB. क्यों नहीं हुआ? पॉइंट्स गिवन -4.0, सर एक पॉइंट मिल रहा था पर दूसरा नहीं, 0.2 एंड -3.2. ठीक है, -4.0, 0.2 आपका -3.2, the point intersects the point of intersection of the line which bisects the angle CAB, sorry ABC, मैंने गलत लिखा, ये आपका A already given, this one A, ये B, ये आपका C. CAB इसका angle bisector, the point of intersection of CAB internally and the line joining C to middle point of AB. Right. ये intersection points है. AD the angle bisector. अच्छा M point, how to get M point, M is the midpoint of AB, M point कैसे मिलेगा? x1 + x2/2, तो -2, 1, M point मिल गया, ठीक है? Now मुझे AD का equation चाहिए, okay? और एंगल बाइसेक्टर का मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था जो ऑलरेडी नॉट फॉर्मूला कंसेप्ट है. इफ AD बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन क्या करता है D पॉइंट, क्या करता है? देन CD इज टू DB इज इक्वल टू AC इज टू AB. CD इज टू B, BD इज इक्वल टू AC इज टू AB. AB करेक्ट. So what is the AC distance? Distance formula use karna. Root 5. Hai na? Haan sir. AC distance kya hoga? -4 + 3 iska square plus 0 - 2 square root 2. Root 5. Haan sir. AB? AB distance कितना? Root 20. 16, root 20. Root 20 मतलब 2 root 5. Right. इसका मतलब
ये 1:2 रेशियो में डिवाइड, समझा? हाँ डी का पॉइंट मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। डी पॉइंट क्या होगा? 1:0 प्लस 2:-3 -6/3 -2, 1:2 प्लस 2:4 6/3 करेक्ट ना? हाँ सर। अब इक्वेशन ऑफ AD निकालो, ठीक है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AD? y minus 0 y minus y1 is equal to slope -1/2 2 - 0 upon 2 मतलब 1 है ना, 2 - 0 upon -2 + 4 (x - x1) करेक्ट ना? दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू, आपको क्या मिला? 2/2 1 x + 4 इंप्लाइज x माइनस y प्लस 4 = 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ax? नहीं, cm m y minus 2 y2 minus 1 1 minus upon -1 into x minus x plus 3। सो अच्छा ये एक्चुअली परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है? x plus 3 That implies ये -1 हो गया, x plus y plus 1 = 0 करेक्ट ना? यस सर। मुझे ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल, हाउ टू फाइंड आउट? सो साइमल्टेनियस यूज कर सकते हो। तो y got cancelled, 2x equal to minus 5, x equal to minus 5/2, x के जगह minus 5/2 डालो, then 3/2, y equal to 3/2, correct ना? Option is there? Can I? हाँ सर, है। other than simultaneously outputs जानते हो how to find out? एक make it note, intersection points between sir ये दो lines perpendicular भी है। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना? हाँ परपेंडिकुलर है। और कैसे निकालते हो अदर देन साइमल्टेनियस इक्वेशन? इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन दिस टू लाइन ए और बी का रेशियो कर सकते हैं ना? क्या करोगे? a1 upon a2 = b1 upon b2। वो कैसे होगा? वो तो सेम लाइन होगा तो होगा ना, इंटरसेक्शन टाइम पर ऐसे कैसे हो सकता है? सपोज दिस इज द l1 a1x + b1y + c1 = 0, दिस इज l2 a2x + b2y प्लस सी टू इक्वल जीरो, लेट अस टेक l1 नॉन पैरेलल टू l2, पैरेलल नहीं है, पैरेलल होगा तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है? हाउ टू फाइंड आउट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, कैसे निकालोगे?
then you can use matrix method. Actually x upon x को ऐसे कवर कर दो, x को कवर करोगे तो ये दोनों का डिटरमिनेंट x upon b1 c2 minus b2 c1, जो 2 by 2 determinant, b1 c2 minus b2 c1 equal to, this is called Cramer's rule use होता है इसमें, sir ये Cramer's rule ही हुआ ना, हाँ, y upon y को cover कर दो, y को cut कर दो, then c1 a2 minus c2 a1 minus C2A1 is equal to 1 upon ये जो इसका ये जैसे A B A का coefficient X sorry X का coefficient A1 and A2 Y का coefficient B1 B2 then constant का coefficient मतलब 1 का coefficient C1 C2 that's why 1 upon C को cover कर दो C को cover करेंगे तो A1 B2 minus A2 B1 समझाइए इसको मैंने कवर किया देन ये दोनों का x x कवर करके बाकी जो रेस्ट एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट b1 c2 minus b2 c1 y को कंसीडर नहीं किया हां सर ठीक है फिर y के लिए y को कवर कर देंगे y को कवर करके बाकी जो a और c रहा उसका डिटरमिनेंट बट वो साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करता है a के बाद b b के बाद c ऐसे होगा b जब होगा c रहेगा पहले c1 a2 minus c2 a1 equal to 1 upon c को cover कर देंगे 1 upon a1 b2 minus a2 b1 okay तो ये जो होता है ना ये पूरा known हो जाता है ये known सबका denominator known ठीक है आप ये दोनों को equate करोगे तो सीधा आप लिख सकते हो x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 ठीक है मतलब x को मैंने कवर किया b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 and b and y क्या होगा y को कवर कर दो c1 a2 minus c2 a1 ये दोनों को ये कर c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1 दोनों का x and y का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ये आप करोगे तो थोड़ा फास्ट होगा rather than simultaneous equation जैसे मेरा ये था ये तो इजी था simultaneous यहाँ पे इजी था क्योंकि दोनों का y का coefficient सेम था otherwise क्या करते हो कुछ multiply करके सेम कराते हो ना yes sir suppose 2x plus 3y plus 8 equal to 0 x minus 4y plus 3 equal to 0 let us check तो आप क्या करते हो इसको 2 मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो y मिलेगा y को वैल्यू यूज करोगे तो x मिलेगा तो मैं सीधा कर दूंगा क्रेमर्स रूल यूज करके क्या करेंगे x को कवर किया बाकी जो रहा ना उसका डिटरमिनेंट मिलेगा कितना हुआ 9 माइनस 32 हां सर 32 9 माइनस सॉरी प्लस 32 हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 32 मतलब प्लस 32 अपॉन 2 इनटू माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 3 am I correct yes sir and y होगा y को कवर कर लो 8 6. into 1 8 माइनस 2 into 3 6 अपॉन y डिनोमिनेटर इसका मतलब दिस बिकम 41 माइनस 41 बाय 11 कमा 2 बाय ओके यस सर आप चाहो तो वेरीफाई कर लो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट कैसे वेरीफाई करोगे पॉइंट टू लाइन की दोनों लाइन में सेटिस्फाई होना चाहिए डन ये होगा माइनस 82 बाय 11 3y मतलब माइनस 6 बाय 11 प्लस 88 कैंसिल यस सर
इसमें डालेंगे तो -41 + 8 + 11 × 3 = 33. यस सर. सो दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट. ये थोड़ा जल्दी होता है तो आप ये
डन यस सर नेक्स्ट वन 13 इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a comma b and c comma d subtend on angle theta at origin then cos theta is one. फिजिक्स में आपका आप लोग का वेक्टर हुआ है ना हाँ सर तो दैट यू कैन यूज व्हाट इज कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में व्हाट इज ए डॉट बी ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा मॉड ए mod b cos theta. That means cos theta you can write a dot b upon mod a magnitude b magnitude. Enough? Awesome. So here you can use that concept. This is more easy method than other. Sir, so ho gaya na option b hai. हो गया सर फिर ऑप्शन बी है फिर हाँ हो जाएगा हाँ सर हो जाएगा हो गया अब स्लोप करके करोगे तो थोड़ा लेंथी होता है ये इजी सबसे इजी यही हो जाएगा अदरवाइज आप स्लोप करके कर सकते हो मतलब tan अल्फा वन tan अल्फा टू आपको मिलेगा अल्फा वन माइनस अल्फा टू निकालोगे दैट इज योर थीटा मैं बता देता हूँ तो आप जो लगेगा ऐसे A, B, C, D. एक cos theta पूछा गया ठीक है ना तो आप वेक्टर यूज करोगे तो दैट इज मोर कन्वीनियंट एंड इजी और नहीं कोऑर्डिनेट जाओगे तो क्या होगा फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट let us take OA makes an angle alpha with respect to positive x-axis. What is the tan alpha? If this angle is the alpha, the tan alpha b by a. B by a. Let us take this angle beta. Then tan beta is what? E by C. C by D. What is the theta? Sir, D by C, yeah, na? Tan beta. D by C. What is the theta? Theta kya hoga with respect to alpha beta? Alpha minus beta. Yes. Theta is equal to alpha minus beta. Just find out tan theta now. Okay? tan theta is equal to tan of हाँ सर हो जाएगा अभी समझा तो फिर आप cos में कन्वर्ट करो हाँ सर बट ये थोड़ा इजीली हो जाएगा जल्दी पे नेक्स्ट 18 The earth center of the triangle ABC is B and the circumcenter is S. And that is A comma B they given. If A is the origin, then the coordinate of C is what? Okay. So when orthocenter is B, one of the vertex of the triangle, तो triangle कौन सा होगा? Right angle triangle. Right angle कहाँ पे होगा? So B पे. B पे होगा. Correct?
तो हियर यू विल गेट वन राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी समझाइए हाँ सर ए ए बी सी दिस इज गिवन 0.0 अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर कहाँ पे होगा मिडपॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस दिस इज गिवन ए कमा बी तो सी का पॉइंट क्या होगा 2a, 2b क्योंकि ये दोनों का मिडपॉइंट ए कमा बी होगा ना क्योंकि ओरिजिन वन ओरिजिन होगा मिडपॉइंट ए कमा बी देन अनदर पॉइंट इन बी 2a, 2b हाँ सर ठीक है यस देन अच्छा सी तो पूछा था आ गया सबसे इजी क्वेश्चन है आप देखो कोऑर्डिनेट में अब थ्योरेटिकली मत करो कभी भी कोऑर्डिनेट आता है ना मतलब एक स्केच करो एक रफली डायग्राम ड्रॉ करो तो सो दैट यू विल गेट आइडिया आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं मिलता हाँ सर समझा कोई भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आएगा एक ड्रॉ कुछ करो मतलब उसका डायग्राम कुछ करो यस सर एनीथिंग एल्स नहीं सर इतना ही था Okay, solve this question. सर एक्सट्रीमिटीज यानी वर्टेक्सेस ऑफ द स्क्वायर यस अदर टू वर्टेक्सेस ओके सर
एंड पॉइंट, एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट।
डन सर, एक मिनट लास्ट वाला कर दो। चलो दो आएंगे ना। यस सर, दोनों इक्वेशन रहेंगे ना आंसर? हाँ सर, दो थे, दो आ रहे थे मुझे। दो रहेंगे ना, करेक्ट। जब बहुत कंबाइंड होगा तो करेक्ट होगा। फर्स्ट वन नहीं हुआ क्या? नहीं सर। इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग 2.3 एंड 4.1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1.2 एंड 4.3। दिस इज 2.3 और कमावन क्या के तो पहले दोनों लाइन का इक्वेशन निकाला। हाँ सर, और फिर कॉमन इंटरसेक्शन वाई भी निकाला। फिर दोनों लाइन का इक्वेशन निकाले। हाँ सर, मींस इक्वेशन निकाला पहले, फिर जो कॉमन एक्स एंड वाई सैटिस्फाई करेगा इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन निकाले? L1 के L2 दोनों, दोनों का जरूरत नहीं। डिफरेंट मेथड्स आर देयर। अब लेट अस टेक दिस केस 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक रेशियो फॉर्मूला में डाल रहा हूँ। लेट अस टेक इट्स डिवाइड्स केस 2:1 रेशियो। तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा? नहीं, ये पूछ रहा है ना, एक मिनट, ये रेशियो पूछ रहा है। तो लेट अस टेक दिस इज K:1, ये देखिए, मैं ये लाइन ले रहा हूँ, ये पॉइंट A ले रहा हूँ, कुछ नहीं ना। इन व्हाट रेशियो द लाइन जर्निंग 2.3 4.1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जर्निंग L1 ही है, L1 का रेशियो है। कुछ व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग, अच्छा तो पहला वाला ठीक करेक्ट था। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आपका पूछ रहा है कि AP अपॉन PB है ना। Let AP upon PB the K
is to 1. तो पी पॉइंट क्या होगा? फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन एंड थ्री के प्लस टू अपॉन के प्लस वन. एम आई करेक्ट? यस सर. मैंने इंटरनल डिवीजन लगा दिया. ओके, कोई लाइन का इक्वेशन भी नहीं चाहिए. अब P lies on the line segment AB. आज P lies on AB. That implies slope of AB is equal to slope of AP. Yes or no? Yes, sir. AB का स्लोप जितना होगा AP का स्लोप भी वही होगा. व्हाट इज AB स्लोप? 3 माइनस 1 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू AP का स्लोप 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2. एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो ये 3k got cancelled. ये 2 minus 3 minus 1 upon k plus 1 बाद में cancel हो जाएगा. 4k minus 2k 2k 1 minus 2 minus 1 is equal to minus 1. That implies k equal to 1 by 2. तो k is equal to 1, k equal to 1 by 2. तो आपका 1 is to 1 ratio में divide कैसे किया? Ratio 1 is to 2 ratio में divide कर रहा है. सर वो minus 4 है सर, minus 2 नहीं है. कौन सा? सर वो जो denominator में है, वो minus 4 होना चाहिए, minus 2 नहीं है. AP सर मींस आपने बीपी का ही, हाँ सर वो माइनस फोर है ना, आपने बीपी का ही निकाला है. थ्री माइनस वन टू माइनस टू ये तो करेक्ट है. एपी का मैंने निकाला, एपी का मतलब थ्री माइनस ऑफ दिस और ये दोनों का मैंने माइनस कर दिया. थ्री के प्लस टू अपन के प्लस वन माइनस थ्री अपन फोर के प्लस वन अपन के प्लस वन माइनस टू बराबर है. पीपी का स्लोप निकाला ना, तो थ्री के गॉट कैंसल. टू माइनस थ्री माइनस वन के माइनस टू के टू के वन माइनस टू माइनस वन करेक्ट है. तो टू के माइनस वन इक्वल टू वन. अच्छा 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 सर सर बराबर टू के माइनस वन इक्वल टू वन. Then k is equal to 1. Correct. समझा? हाँ सर. अच्छा, और आप उसका अल्टरनेटिव भी कर सकते हो स्ट्रेट लाइन निकालने के. निकालते हैं स्ट्रेट लाइन यूज करना है तो कैसे करोगे? जस्ट फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ AB. अच्छा ये भी अभी लिया क्या? ये पी पी क्यू ले लेता. जस्ट फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ AB. इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा? y माइनस y वन इज द स्लोप. स्लोप कितना में बता? माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन. करेक्ट ना? दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई ये आपका प्लस टू माइनस फाइव इक्वल टू जीरो.
इफ दिस इज द लाइन, ये आपका पॉइंट x1 y1, ये आपका पॉइंट x2 y2, ये आपका लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। द लाइन, मेक इट नोट, द लाइन एल इक्वल टू जीरो डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन रेशियो माइनस ऑफ एल वन अपॉन एल टू। व्हाट इज एल वन? एल वन का मतलब क्या है? ये पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज कर दो, ओके, दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, एंड एल टू इज द सेकेंड पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज कर दो, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। तो आपको लाइन मिल चुका है ना, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया? x plus y minus 5 equal to zero। यहाँ पे a पॉइंट क्या दिया गया है? 2, 3। b पॉइंट गिवन 4, 1। डालो आंसर क्या होगा? 2, 3 को डाल दो, माइनस ऑफ 2, 3। 2, 3 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं कौन सा, किसका इक्वेशन दिया? अच्छा सॉरी, मुझे पी पॉइंट निकालना, मुझे ये चाहिए ना, क्या चाहिए था? एपी ओपन पीवी, मैं इधर गलत किया, ये ए, ये बी, क्योंकि हम ए ही निकाल रहे थे, केस्ट वन इसको लेते ना, इसको पी ले रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ एपी मुझे नहीं निकालना है, इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है? पी क्यू। हालांकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, दिस इज करेक्ट है, ठीक है। तो आपका ए पॉइंट इज द 1, 3, 1, 2। ए पॉइंट क्या है? 1, 2 ना, ए पॉइंट। B पॉइंट इज द 4, 3। आंसर क्या होगा? 1, 2 डालो, 1 plus 2 minus 5 अपॉन 4 plus 3 मिला? हाँ सर। यस सर, दैट मींस मिड पॉइंट। दिस वन यू कैन यूज, बाकी फर्स्ट वन ये करेक्ट हुआ, ये सबको मिला, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक मिलेगा ना, तो आपका इक्वेशन क्या होगा? दैट इक्वेशन ऑफ
इंटरसेप्ट फॉर्म में रखेंगे इक्वल टू वन, सम ऑफ इंटरसेप्ट गिवन 14, इसका मतलब ए प्लस बी गिवन 14, एंड ये लाइन 3,4 सेटिस्फाई कर रहा है, 3,4 लाइन पासेज थ्रू 3,4, इसका मतलब क्या होगा 3 बाय ए प्लस 4 बाय बी इक्वल टू 1 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 14। एक को एलिमिनेट कर दो, विल गेट यू आंसर। ठीक है, समझ गया। तो 3 बाय ए 4 बी के जगह आप 14 माइनस ए लिख दोगे इक्वल टू 1, देन विल गेट क्वाड्रेटिक ऑफ ए, और ए का डबल वैल्यू मिलेगा। फर्स्ट वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज द पोर्शन 7x plus 5y equal 35 intercept y axis and then find extremities of other diagonal. So line given 7x plus 5y equal to 35. What is the x intercept? Y ke jagah 0 dal do. So we'll get 5,0. Aur ek 0,7. ठीक है, आपका ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो अदर एक्सट्रीमिटीज आपको निकालना है, तो ज्यादा आप इसमें कोऑर्डिनेट के ऊपर ज्यादा ये मत करो, जस्ट ड्रॉ ए स्क्वायर। Let this is the square A B C D. ठीक है ना, तो आपका A the 5,0, C given 0,7, right? तो B and D पूछ रहा है, तो ये आपका इस, तो जो दूसरा डायगोनल आएगा तो BD, तो AC को क्या करेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एसी? एसी का स्लोप क्या है? -7/5। तो स्लोप ऑफ बीटी क्या होगा? 5/7। दैट इज योर टेन थीटा। ठीक है, What is your length of AC? 7 minus, मतलब x1 minus x2 करोगे तो आपको 5 minus 0 का square, in fact 5 square plus 7 square, यही होता है ना? root 74. Let the intersection point with the M. M point क्या होगा? 5/2, 7/2. ठीक है? And MD का length कितना हुआ? root 70/4. इसको आप R मान लो। Use parametric form. This type of question use parametric. Let this point is the x comma y. ठीक है, तो ये पॉइंट से ये लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस लेके आप कितने पॉइंट्स निकल पाओगे? ये लाइन के ऊपर फ्रॉम पॉइंट एम आर डिस्टेंस लेके कितने सारे पॉइंट्स आप डिटेक्ट कर पाओगे? दो।
एक होगा डी एक होगा बी बी तो बी डी दोनों एक साथ है तो यूज पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पट एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस आर सी थीटा प्लस ठीक है अच्छा व्हाट इज द टैन थीटा हियर 5/7 तो साइन थीटा क्या होगा 5/√74 कॉस थीटा क्या होगा 7/√ सपोज यहां पे माइनस होता लेट अस टेक सपोज माइनस होता tan थीटा इज इक्वल टू -5/7 तो क्या होगा साइन पॉजिटिव होगा तो कॉस नेगेटिव होगा और वाइस वर्सा इसलिए वो प्लस माइनस में आता है बट वो केस में व्हेन साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव बट एक केस में बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव ठीक है दो केसेस आते हैं अब डाल तो x इज इक्वल टू x1 कितना 5/2 प्लस r cos थीटा r मतलब √74 cos थीटा इज द 7/√74 एंड y होगा 5/2 प्लस √74 नॉट 7/2 sin theta is the 5/√7 ठीक है और जब माइनस रखेंगे दोनों का माइनस होगा तो क्या मिला फाइव बाय टू प्लस सेवन बराबर ना हाँ सर कमा सेवन बाय टू प्लस फाइव ये एक पॉइंट होगा एंड 5/2 माइनस 7 एक होगा 7/2 माइनस 5 समझ में आया यस सर सपोज टैन थीटा नेगेटिव होता तो या ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा अल्टरनेटिव से तो विल गेट कितना 14 प्लस 19/2 और cos थीटा बराबर लिखे ना हाँ 19/2 ये आपका 17/2 और ये -9/2 -3/2 हमारे तो इसमें ये b होगा तो ये d और vice versa समझाइए कि नहीं समझा सर अच्छा एक मिनट आर यू आर टेकिंग रॉन्ग आर इज व्हाट आर इज द √74/2 ये होगा 7/2 ये होगा 7/2 तो पॉइंट अलग आएगा क्या मिलेगा पॉइंट 6 ये भी 6 6 6 ठीक है ये होगा -1/1 राइट समझाइए समझा सर चलो
तो अब इन चैप्टर टू तो नहीं होगा शायद, क्योंकि रोटेशन ऑफ एक्सेस दिया गया, टू तो नहीं होगा, लोकस भी नहीं होगा, इन चैप्टर थ्री नहीं होगा। हाँ अभी इन चैप्टर फोर आप कर सकते। ओके सर, इन चैप्टर फोर इज तो चैप्टर फोर नहीं है क्या? हाँ हाँ इज देयर, जो होमवर्क जितने हम जितने कंसेप्ट बताए और भी बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है? ओके सर, चलो थैंक यू एंड बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय, थैंक यू।